हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एस के शाहपुर में। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022, इसमें जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पेपर कटिंग आप लोग को लगा हुआ है थंबनेल में, तो आप लोग देख रहे हैं फिर संकट में रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा, कहीं आगे न खिसक जाए डेट। 1,15,00,000 अभ्यर्थी कर रहे हैं इंतज़ार। तो आप लोग को बता दें, ये पेपर राजस्थान के फाइटर न्यूज पेपर है, इसमें छपा हुआ है, आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इससे पहले चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया गया है कि 23 फरवरी से शुरू होने वाली RRB ग्रुप डी भर्ती परीक्षा एक बार फिर संकट में पड़ सकती है। बहुप्रतीक्षित रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा पर फिर से कोरोना महामारी का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस अन्य देशों के साथ ही भारत में भी बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रॉन तेजी से भारत में पैर पसार रहा है और रेलवे की इन भर्ती ग्रुप डी 1,03,000 वैकेंसी भरी जाएगी। ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए 1,15,00,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ओमिक्रॉन के प्रसार के बीच रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा आयोजित कराना और अभ्यर्थियों के लिए ऐतिहासिक बरतते हुए एग्जाम देना बड़ी चुनौती है। तो ओमिक्रॉन को देखते हुए देश के विभिन्न राज्यों में कई तरह की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं। गौरतलब है कि ये भर्ती रेलवे ने फरवरी मार्च 2019 में निकाली थी। अभ्यर्थी लंबे समय से इन भर्ती परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। कोरोना नियंत्रण में आने के बाद आखिरकार 8 दिसंबर को सरकार ने नई भर्ती परीक्षा का शेड्यूल घोषित किया था, लेकिन अब कोरोना बढ़ने के चलते बेरोजगार अभ्यर्थी को फिर से परीक्षा टालने का डर सताने लगा है। तो आप लोग को बता दें कि ये कई कई राज्यों में कुछ कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि इतना, जिस तरह से अभी केसेस आ रहे हैं कोरोना के, तो इस तरह के अगर आते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम में। अगर थोड़ा इससे पीक पर चला जाता है तो तभी दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग प्रिपरेशन को जारी रखिए, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम होगा ही ज़रूर। प्रिपरेशन को ढीला नहीं करना है, इसको नज़रअंदाज करते हुए आप लोग प्रिपरेशन को जारी रखिए, एग्ज़ाम ज़रूर होगा, हिम्मत नहीं हारना है। काहे कि 1,03,000 वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं कभी आई थी नहीं कभी आने वाली है। तो इसीलिए आप लोग हिम्मत मत हारिए, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।